माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर? ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में, ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए हैं, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता, जिस बाहु से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर दो दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा कर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस वापिस रखी, और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना, अखंड माता लक्ष्मी का जल। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहे ऐसा दीप पर ध्यान देना है, और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमर बेल के टुकड़े, पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर का भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकू माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी एक रुपया, दो रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में, जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का। बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसी की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुने। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करें, और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ